अरे हिम्मत, इसका मैं उसने अब कह इंटरव्यू रही हूँ बोले बेटा थे। कल नहीं होगी, ठीक है, कल नहीं होगी, बाकी होगी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। ओके, सो बेसिकली आज अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा, है ना। और ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस कर लिया था, हाँ, तो अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। अपना ये थर्ड लेक्चर है, दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो बेसिकली SN2 अपना हो चुका था, पूरा नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजें रहती हैं। देखो अपना हर चैप्टर में ना कुछ ऐसी रिएक्शंस आती रहेंगी जहां पे मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ बेटा ये देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ मैम क्या कह रही है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में ना काफी सारी ऐसी रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगी जहाँ पे SN2 हो रही होगी, जहाँ पे SN1 हो रही होगी। तभी मैंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लेंगे हो जाएगा, है ना। आपको पूरी ऑर्गेनिक जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे काफी चीजें जो होंगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी हर चैप्टर में। तो जैसे जैसे तुम कवर करते जाओगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम काफी कुछ सीखते जा रहे हैं। तो ऐसे गुड इवनिंग एवरीवन, एंड प्लीज होमवर्क मुझे शेयर कर दिया करो, मेरे को बार बार तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर नहीं करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हम तो नहीं करेंगे, और साथ में रीजन भी लिख के बताना कि क्यों नहीं करोगे, किस खुशी में नहीं करोगे, ठीक है। बाद में फिर आप लोगों को ही रिग्रेट होगा कि काश होमवर्क कर लिया होता। मैं आप लोगों को एक एक दो दो दिन का टाइम भी दे देती हूँ बीच में, बट फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, कुछ कुछ ही करते हैं। मतलब अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 40 में से 5-6 ही करते हैं। अब आप अगर ये सोचो मैम 5-6 ही तो करते हैं, फिर हम भी क्या ही करेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। क्योंकि अगर आप गुड सोच रहे हैं इवनिंग मैम। सिर्फ मैम की क्लास में बैठ के, गुड इवनिंग, मैम की क्लास में बैठ के सिर्फ वही क्लास वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो मैम दे रही है, अगर आपको लगता है उससे हो जाएगा तो आपको गलत लगता है बेटा, उससे नहीं होगा। ऑर्गेनिक ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक, तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक उतनी अच्छी होगी, वरना धीमे 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 कॉन्सेप्ट्स भूलते जाओगे, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आप सीखोगे, ठीक है। तो वही वाली चीज है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक में, तो इसीलिए ट्राई करो कि साथ साथ रिवाइज और होमवर्क जो दे रही हूँ वो करते चलो, वरना बाद में सारा इकट्ठा हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे SN2 हो रही है, कहाँ पे SN1 हो रही है, कहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। ये बातें आप याद रखना। SN2 के बारे में मेरे को बताना, कौन बताएगा, सना तुम बताओ, SN2 रिएक्शन में हमने बेसिकली क्या देखा था। सना बताइए, SN2 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं वो मुझे बताओ। मैम क्यों नहीं रिवाइज किया भाई? दीप्ति आप मुझे बताओ, दिस इज नॉट अ, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो। दीप्ति आप बताओ SN2 में क्या पढ़ाया था, कहाँ बताया, मैंने नहीं सुना। चैट बॉक्स में लिख दो सना, मैं बेटा मैंने नहीं सुना तुमने क्या बोला, मेरे को आवाज ही नहीं आई कुछ। दीप्ति तुम बताओ जब तक सना चैट बॉक्स में दे रही है आंसर। मुस्कान तुम बताओ। यस मैम, SN2 रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम होती है, और इसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ऑल्सो जितना ज्यादा सीरिक हिंड्रेंस होगा उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, और एप्रोटिक न्यूक्लियोसिटी को इंक्रीज करते हैं एंड पोलर प्रोटिक डिक्रीज करते हैं, इसलिए पोलर एप्रोटिक जो होते हैं वो SN2 के रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं।
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट करते हैं क्या SN2 को? यस मैम। ओके, और इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है या कोई इंटरमीडिएट बनता है? मैम ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें। हाँ हाँ मैम, इनवर्स इन्वर्शन सीरो स्पेसिफिक केमिस्ट्री में इसमें यहाँ पे बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का होगा जो आपका रिएक्टेंट होगा, राइट। और ये RS तभी निकाल सकते हो, आपको मैंने बताया था कि जब कायरल कार्बन हो, याद आ रहा है? अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो यू कांट डिसाइड कि आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि RS निकालने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज रेडी रहा करो, मैं ऐसे आपसे पूछ सकती हूँ आते ही, ठीक है। ऑर्गेनिक में मैं बिल्कुल भी वो नहीं सोचूंगी कि नहीं पूछना है, ऑर्गेनिक चल रही है, प्लीज थोड़ा सा फोकस हो जाओ और जो दे रही हूँ वो करके आओ, ठीक है जी। चलो हाँ, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे फटाफट से ना ये वाले क्वेश्चंस, आज मैं SN1 भी करा दूंगी आप लोगों को, पूरी नहीं होगी SN1, थोड़ा सा रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल तो आप लोगों का रिविजन क्लास होगा ना, तो मंडे वाली क्लास या जब तुम ट्यूसडे को मुझे मिलोगे तो वहां पे हम SN1 पढ़ेंगे। SN1 और SN2 में किस तरीके से पता लगाओगे कि कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ओके, तो फटाफट से मुझे इनके प्रोडक्ट बना के दिखा दो जल्दी से। ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे को। अपनी नोटबुक निकालो, क्योंकि आते ही पहले तुम लोगों का इसी तरीके से छोटा सा टेस्ट होगा, तभी मैं आगे चलूंगी। बना के दिखाओ, पीयूष आ गया क्या? पीयूष यस मैम, ठीक है। ओके, आई होप आप सभी बना रहे होंगे। देखे देखे रिएजेंट्स लग रहे हैं ना आप लोगों को, मैंने बताए थे ये रिएजेंट्स आप लोगों को। हाँ जी पीयूष जी बताए थे, अभिषेक बताए थे, मुस्कान, चेतना, देख के आए हो रिकॉर्डिंग, जो बच्चे एब्सेंट थे, शिखा बोलो तो सही, कहाँ गायब हो शिखा, सुनाई दे रहा ना बेटा? यस मैम, रिकॉर्डिंग देख के आई हो ना मैम? थोड़ी सी रह गई थी, इतनी पूरी नहीं दिख पाई। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप लोग नहीं देख रहे हो ना एक भी रिकॉर्डिंग, तो फिर वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा अभिषेक, बताना मेरे को। अभिषेक Yes, ma'am. आवाज आ रही है? एक तो तुम लोग बोला करो, टीचर अगर बोल रहा है ना तो रिस्पोंड किया करो, अगर नहीं भी आता ना फिर भी आपको बोलना है कि नहीं आता, ठीक है। ठीक है शिखा, हाँ बताओ मेरे को अभिषेक। मुस्कान आप बताओ। मैम मेरा रिकॉर्डिंग भी रह रहा है। बहुत अच्छी बात है। तनिष्का मैम, क्लोरीन की जगह के आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। पोटेशियम न्यूक्लियोफाइल है क्या? नहीं नहीं SH आएगा। SH इज योर न्यू, SH नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। लिस्ट बनवाई थी न्यूक्लियोफाइल की, भूल गए तुम लोग? ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री का देखो लेना देना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो मस्त मजे से बना दो। ये सिर्फ सिंपल सा टेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें बताओ मेरे को, दक्ष ने बिल्कुल सही बताया था। हाँ ये बताओ, कोई और बताओ। दक्ष आंसर मत दे बेटा चैट बॉक्स में, पहले मेरे को दूसरों से पूछने दो। पीयूष आप बताओ क्या बनेगा यहाँ पे बी वाले में।
मैम सीएल की जगह ओएच ने आ जाएगा, सीएल की जगह ओएच आ जाएगा, ओएच नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ कौन बताने वाला है मेरे को, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, कोमल, डिंपल, पलक, सॉरी, हाँ हाँ जी, क्या होगा? हाँ अभिषेक बता बेटा। मैम पीएचएस, तुम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो क्या न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में? न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई? यही है ना, एक मिनट रुको, एस नेगेटिव, पीएच, एनए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस पीएच लग जाएगा। एनए का ऐसे लगेगा भाई, एनए तो, एनए पे तो पॉजिटिव है। हाँ जी बोलो। yes, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है? बस हिल गया, पहला लेक्चर गया ऊपर से। अरे भाई साहब ये क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, भूल गए क्या? डीएमएफ है, डीएमएफ इज अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक्सेलरेट एसएन2 के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एसपीएच लग जाएगा। ठीक है, क्या बताओ मेरे को? यस मैम। ऐसे डर क्यों जाते हो भाई क्वेश्चन देख के? कुछ अलग सा थोड़ी ना दिया बेटे। ये करो, इसमें क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, एनएस थ्री अटैक करेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा बन जाएगा ना, बिकॉज उसने अपने लोन पेयर दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सीएल नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, जब भी ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है, वो चार्ज आपको खत्म करना पड़ता है, तो कैसे करोगे बताओ? मैम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करोगे? मैम हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड, सीएल नेगेटिव ले जाएगा ना उसको, एचसीएल बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली मैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बना दे रही हूँ, ये बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा बताइए? NH2 आ जाएगा मैम। NH2 क्यों आएगा? आप लोग मेरे को ना एक बार रुक सुनो, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, जो मैंने न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बनवाई थी ना उसको ओपन कर लो। यहाँ पे RNS2, ये पूरा क्या है आप लोगों का, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करेगा तो आपका ये बन जाएगा NHCS3। NH2 क्यों लिख रहे हो, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड ही बनाता है, H+ निकल जाएगा अगेन, Cl नेगेटिव लेके HCl बन जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, CH3COO नेगेटिव, Ag+ CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लगेगा, COOH3COO। अच्छा जी, सी कार्बन न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये मैंने देखना न्यूक्लियोफाइल में लिखवाया हुआ है, तुम पहला लेक्चर ही नहीं पढ़ के आए भाई, और आज थर्ड लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। ये मैंने न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखवाया था तुम लोगों को, बताना, ये नहीं लिखवाया था मैंने न्यूक्लियोफाइल तुम लोगों को? यस मैम लिखवाया है। फिर तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, हो जाएगा अब बताओ।
तुम लोगों को मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, फटाफट से जो मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफाइल्स लिखवाए थे जल्दी से याद करो उसको। मैंने जान करके क्वेश्चन पूछे हैं ये देखने के लिए कि तुम्हें पता भी है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें, ठीक है। तो RnS2 न्यूक्लियोफाइल है भाई, इसको कैसे तोड़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक थोड़ी ना। अगर तुम ये सोच रहे हो CH3+ और NH2 नेगेटिव आयनिक थोड़े ना मेरा बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कैसे दिखाओगे तुम CH3+ NH2 नेगेटिव अगर सोच भी रहे हो तो, ठीक है। हो जाएगा अभी सारे हो जाएंगे ये। चलो उसके बाद हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। तुम लोगों को याद है मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बिडेंट लिगेंड बताए थे तुम लोगों को? यस मैम। तो बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड क्या थे अपने याद करो, मोनोडेंटेट लिगेंड थे जिसके पास दो डोनर साइट थी, दो डिफरेंट लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता था। तो यहाँ पे भी क्या है, वही है बिल्कुल, नाम मैंने चेंज कर दिया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब लिगेंड की भी तो क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है ना। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी क्या होंगे, स्पीसीज हैविंग टू, वैसे तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, लेकिन एक टाइम पे किसी एक से ही आप क्या करा पाओगे, डोनेशन करा पाओगे, ठीक है। एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगी, एक ही साइट डोनेट करेगी। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, अगर मैं बोलूं साइनाइड, तो साइनाइड को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो ना साइनाइड का ये होता है स्ट्रक्चर। हो सकता है किसी में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा हो, है ना, हो सकता है किसी में कार्बन अटैक कर रहा हो, तो एक टाइम पे या तो कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाय कोमल, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है जी। उसके अलावा क्या था अपना याद करो, NO2 नेगेटिव था, है ना, बोलो। यस मैम। अब NO2 नेगेटिव में क्या होगा, हो सकता है कि किसी टाइम पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे ऑक्सीजन, हो सकता है कि किसी टाइम पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो वो अटैक करे न्यूक्लियोफाइल। तो अब जब कार्बन अटैक करेगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनने वाला है, जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। इसमें अगर ओ अटैक करेगा तो तुम्हें पता है उसको हम बोलते हैं क्या अब उसका नाम भी बताऊंगी मैं, याद करो कोऑर्डिनेशन में था नाइट्राइटो ओ, और अगर एन से अटैक करा था तो नाइट्राइटो एन देते थे, वो तो लिगेंड का नाम था। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे सबसे पहले है तुम लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये तुम्हारे जब तुम बोर्ड्स के एग्जाम दोगे ना वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आता है, तुम्हारे NCERT का भी क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट में भी आता है, ठीक है। जेई मतलब हर एंट्रेंस में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी मैं तुम लोगों को कराने वाली हूँ। तुम्हें इस तरीके से या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, या कोई रिएक्शन करवा के देखेगा। अब रिएक्शन क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये सबस्ट्रेट है, उसमें तुमने KCN डाला हुआ है, उसमें तुमने क्या डाला हुआ है, एक बार AgCN डाल दिया। अब आपको चेक करना है कि दोनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। अब आपको पता है या तो एग्जामिनर KCN दे दे या NaCN दे दे, आयनिक कंपाउंड है ये, है ना, K+ और CN नेगेटिव, ठीक है मेरा बेटा। अब yes, ma'am. तुम लोगों को ये डिसाइड करना है कि नाइट्रोजन अटैक करेगा या कार्बन अटैक करेगा, कोई मुझे बता सकता है कि नाइट्रोजन अटैक करेगा या कार्बन अटैक करेगा, बताओ, बता सकता है कोई? नाइट्रोजन, हाँ जी नाइट्रोजन नहीं अटैक करेगा, कार्बन अटैक करेगा। बाय बिकॉज आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है तो कार्बन इज अ बेटर डोनर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है कार्बन अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा साइनाइड, ठीक है। मैं IUPAC नेमिंग नहीं बता रही हूँ इसकी, मैं बता रही हूँ साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, जब आपके पास KCN या NaCN होगा, बिकॉज ये आयनिक है तो आप इसको इस तरीके से दिखा रहे हो। लेकिन अगर मान लो सेम ही सबस्ट्रेट और उसमें AgCN है, क्या अब यहाँ पे तुम बताओ कार्बन अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिकॉज कार्बन का ऑलरेडी क्या है, पहली बात है ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरा Ag और कार्बन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन नहीं अटैक कराएगा। यहाँ पे अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है मेरा बेटा, नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक करवाएंगे,
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ढंग से एरो को दिखाऊंगी ताकि जब तुम लोग रिवाइज करो तो तुम्हें पता रहे मैम क्या कर रही है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम लोगों को, एनसी ये मिलेगा। ठीक है, और जो एजी है वो सीएल के साथ जोड़ी बना के बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यू नो एजी लव्स हैलोजन। तो ये क्या होगा तुम्हारा, आइसोसाइनाइड। क्लियर है, जब आयनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, जब आइसोसाइनाइड होगा तो क्या होगा। ठीक है, yes, आगे चलिए। अब आता है ये वाला एक क्वेश्चन बनता है सेम, एक तुम्हारे पास AgNO2 है, अब AgNO2 को कैसे लिखोगे तुम लोग बताइए मेरे को, AgNO2 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे? अच्छा, और KNO2 को क्या, अब K प्लस और NO2 नेगेटिव इसको कैसे लिखोगे ऐसे? ठीक है, चलो ओके। अब डिसाइड करो, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, जब मैंने AgNO2 लिया, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो देने से रहा। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे या ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे, तो तुम बताओ किसके लोन पेयर जाके अटैक मारने वाले हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जाने वाले हैं। क्यों, रीजन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन बोला? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इन चीजों में भी गलती करो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। यस मैम, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और AgCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आता है बताओ भाई, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ कौन आएगा और अटैक करने वाला है? आपको पता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है, वेरी गुड डॉग, शाबाश बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। आपको रीजन भी पता होना चाहिए, आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, राइट? तो आपका क्या बन जाएगा, ONO बन जाएगा। ठीक है, तो जब आयनिक कंपाउंड KNO2 या NaNO2 है उस केस में आपका ऑक्सीजन से अटैक होगा, और अगर वहां पे मान लो सिल्वर के साथ बना हुआ है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है, तो वहां पे नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाकर अटैक करेगा। ठीक है जी, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा। चले, खोज गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कोई भी एंट्रेंस तुम दे रहे हो, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है SN2 से रिलेटेड, हालांकि ये हम कहाँ पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर किसी ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है पहले 11th में, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा पढ़ा है। देखो, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें आपको एल्काइन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ओके, तो ये इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है आप लोगों को पता है, बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, Na प्लस NH2 नेगेटिव, बहुत अच्छा बेस होता है। पुष्नवास नेटवर्क इशू हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देखना। अब बेस क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। नहीं, वो तो पता ही है, बेस और क्या करता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में मैंने एक डिफरेंस बताया था आपको लास्ट टाइम। बेस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के साथ। ठीक है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, NH2 नेगेटिव H ले लेगा और अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, तो बेसिकली ये H को चुरा ले जाएगा।
ठीक है, उसको H प्लस चाहिए ना, अगर वो H प्लस लेके जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बन जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में लिखवाया था तुम लोगों को? यस मैम। फर्स्ट क्लास में याद करो। यस मैम। फर्स्ट क्लास में याद करो न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्काइल आयोडाइड है, बताना कौन सी रिएक्शन होगी? ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बनाऊ मैं, इसको थोड़ा सा एरो को छोटा लगा देते ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है? तो आपका ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ क्या लग जाएगा CH2 CH3। देख रहे हो, अब उससे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दी आपको, पहले इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, कैसे बनाया, इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, देन वो न्यूक्लियोफाइल बना, देन SN2 रिएक्शन उसने की। ये क्वेश्चन नीट में आते हैं, इवन दिस इज वन ऑफ योर PYQ, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करा इन्होंने, सोडियम डाल दिया। अब सोडियम आपको पता है क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल है ना। अब ये क्या करेगा, यहां से जैसे ही तुम बेटा H प्लस निकालोगे, वो H प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। बोलो यस और नो, ठीक है? अब ये यहाँ पे सोडियम के कितने इक्विवेलेंट यूज किए, दो, तो ये भी हाइड्रोजन निकालेगा, ये भी निकाल लेगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। अब कार्बन के पास भी है नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी है, यहाँ पे CH3 आई भी है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह लग जाएंगे CH3 CH3। बोलो हाँ के ना, यहाँ पे इन्होंने दो इक्विवेलेंट लिए होंगे, बोलो। तो ये भी कैसा है, SN2 टाइप की ही रिएक्शन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो चलें फिर आगे, हो जाएगा ये वाला? यस मैम। यस मैम। जल्दी बताओ, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट आती है तुम्हारी नेम रिएक्शन, इस चैप्टर में पहली नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। जब हमारी पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी ना, तो हमारे पास कम से कम 40 नेम रिएक्शन, 40 के आसपास नेम रिएक्शन इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो 40 नेम रिएक्शंस को तुम्हारे को अलग से PDF में दे दूंगी, बट वो तब जब अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अभी तो शुरुआत हो रही है ना। तो सबसे पहले आज इस चैप्टर की फर्स्ट नेम रिएक्शन क्या है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन में बेसिकली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इस रिएक्शन में हम प्रिपेयर करते हैं एल्काइल आयोडाइड। क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। तो आप इसमें क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लेते हो, एक्स यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। जनरली हम फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं लेते हैं, बिकॉज फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, आयोडीन की रिएक्शन स्लो होती है, तभी यहाँ पे एक्स हम जनरली आपको देखने को मिलेगा 99% केसेस में मैं क्लोरीन और ब्रोमीन ही ले रही होंगी। अब इसमें क्या डाला, इसका रिएजेंट क्या होता है बेटा इस रिएक्शन का, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। याद है ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में कराया था, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि SN2 रिएक्शन है, पहली चीज है आई नेगेटिव इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ऑल्सो यहाँ पे एसीटोन यूज किया गया है जो कि एक काफी अच्छा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN2 रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्स और एनए की जोड़ी बन जाएगी और बाहर निकल जाएगा NaX और R के साथ क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसके PPT बन जाएंगे, ठीक है जी? अच्छा, अब होगा क्या, मैकेनिज्म कैसे होगा इधर देखो, मान लो मेरे पास RCL है, लेट से, या R कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे, मान लो मेरे पास है ये CH3 CH2 Cl, ठीक है? यहाँ पे मैंने डाला है NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है? ड्राई एसीटोन लिया मैंने यहाँ पे। अब आई नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बोलो, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, बताना कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2। तो फिंकलस्टीन कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, फॉलो होता है, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाते, ठीक है? क्लियर हो गई, फर्स्ट रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन है, रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यस मैम।
अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, तुम मेरे को क्या करके बता सकते हो? वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में भी करवाए थे, ठीक है? तो आपको क्या दिया हुआ है, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, सबस्ट्रेट इज योर रिएक्टेंट। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में मैं बार बार सबस्ट्रेट बोलूंगी, तो आप रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। इसमें डाला है NaI एसीटोन, आपको बताना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ऐसे ही आपको सेकंड में भी बताना है मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए मुझे। कौन बताएगा, रेज योर हैंड। पीयूष, आयुष, दक्ष, प्लीज जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ। वेरी गुड बच्चों, अब तुम्हारे हैंड रेज हो रहे हैं फाइनली, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। कोमल आप बताइए। ब्रोमीन हटके आयोडीन लग जाएगा। हाँ, लेकिन ब्रोमीन अपना डैश पे लगा हुआ है, आयोडीन किस पे लगेगा? वेज पे लगेगा। वाई वेज पे, क्योंकि ये अपनी SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, कायरल कार्बन भी है। तुम बेशक इसकी वो निकाल लो RS, जो इसका आएगा उससे अपोजिट ही आने वाला है। तो अगर ये डैश पे है, अगर पीछे, अब देखो ना ये पीछे की तरफ है, तो आयोडीन कहाँ से आएगा, आगे से आएगा। डैश मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वेज मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ब्रोमिन पीछे है तो आयोडीन आगे से आएगा, यानी कि अगर ये डैश पे है तो वेज पे आयोडीन आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ मेरे को, हाइड्रोजन की जगह आयोडीन लग जाएगा और ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन। यस, ये बन जाएगा, ठीक है। अगेन SN2 हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, मैंने कल भी कराए थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे मैंने रिएजेंट डो डाला है NaI एसीटोन। मैंने आपको शायद बताया था ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका, अगर आप क्लास में आ रहे हो, लेट सपोज कि आज आपके मेरी क्लास पे पढ़ने के बाद 3 पेज भर गए या 2 पेज भर गए, उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज छोड़ना है और जो मैंने आज पढ़ाया उसको रिवाइज करके जो जो आपके ध्यान में आ रहा है, जहन में आ रहा है, उसको आप लिखते जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सभी बच्चे करेंगे 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने चलने वाली ऑर्गेनिक अपनी, ठीक है। चलो, अब इसमें मैंने क्या डाला है, NaI एसीटोन डाला है। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा, अभी तो तुम्हें पता SN2 होगी, लेकिन जब बहुत सारा रिएक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तब भी तुम्हें पता होने चाहिए SN2 होगी। चेतना आप बताइए बेटा। हम Cl की जगह I आ जाएगा, लेकिन वो किससे आएगा, वेज से या डैश से? डैश से। वेरी गुड। ब्रोमीन क्यों नहीं हटा चेतना? मैम क्योंकि वो SN2 शो नहीं करता है। शाबाश। देखो, ब्रोमीन आपका है तो बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से, बट ब्रोमीन यहाँ पे नहीं हटेगा। याद करो, विनाइलिक वाली पोजीशन है, याद आ रहा है, दिस इज विनाइलिक पोजीशन, और मैंने कहा था विनाइलिक हैलाइड डज नॉट गिव SN2, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट वाला आप कौन बताएगा मेरे को, और करिए मुस्कान आप बताओ। क्लोरीन की जगह आयोडीन नीचे वाली ग्रुप। हाँ, ऊपर वाला क्यों नहीं हटेगा क्लोरीन? क्योंकि वो विनाइल हैलाइड पोजीशन पे। विनाइल हैलाइड नहीं, एराइल हैलाइड। यस, विनाइल तो अपना ये वाला होता है मेरा बेटा, ये तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा हुआ है ना बेटा, जो डबल बॉन्ड के जस्ट लगा होता है वो विनाइल। ना 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 ना, देखो ये होती है अपने विनाइलिक पोजीशन, आपका ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं होता। दिस इज, इधर देखो, रुको, This is not vinylic position, ठीक है। ये आपका क्या है, ये aryl ring, phenyl ring बनी हुई है ना, तो इसको हम बोलते हैं aryl halide बोलते हैं, ठीक है। vinyl halide में aromaticity नहीं होती, देख पा रहे हो, ये aromatic नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोला तुमने ठीक है, बस थोड़ा सा explanation भी ठीक करना, ठीक है। यहाँ पे iodine आ जाएगा, क्यों ये वाला क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है तो कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल सही से अटैक नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मस्त अटैक करेगा, देख रहे हो, खत्म। मैंने कहा था ना तुम्हें ऑर्गेनिक में सारा खेल किसका है, अटैक करवाने का। कहा किस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हो, जो ये एरो मैं बना रही हूँ, सारा खेल इसी का ही है पूरी ऑर्गेनिक में। अगर तुम्हें सही एरो बनाने आ गया ना, कहाँ जाके कहाँ अटैक करेगा, तो सही हो जाएगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? Yes, चलो
नेक्स्ट करते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन, आज के क्लास की सेकंड नेम रिएक्शन और इस चैप्टर की नेम रिएक्शन सेकंड, नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है जल्दी से बताओ? स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करती है? इसमें हम बेसिकली किसका किसको प्रिपेयर करते हैं? एल्काइल फ्लोराइड्स को करते हैं। वैसे तो जनरली हम फ्लोरीन वाली रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं, याद करो मैंने आपको बोला था, ठीक है? डायरेक्ट आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते हो, तो यहाँ पे लेकिन अगर मान लो हमें एल्काइल फ्लोराइड्स बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेशल फ्लोराइड्स हम लेते हैं, यूज करते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड्स लेते हैं, लाइक AgF ले लो, CoF2 ले लो, SbF3 ले लो, एंटीमनी का फ्लोराइड ले लो, मर्क्यूरी का फ्लोराइड ले लो। ये सारे मैम याद करने हैं, यस, क्योंकि ये चारों के चारों तुम्हारे कहाँ लिखे हुए हैं? NCERT में लिखे, और NCERT हमारे लिए क्या है जल्दी बताओ? क्या NCERT हमारे लिए? भगवान। ये चारों चीजें NCERT में लिखी हुई है, तो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से स्वार्ट्स रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? सिल्वर का फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, एंटीमनी का हो सकता है, मर्करी का हो सकता है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा मेरा बेटा, RX ले लो, लेट्स से मैंने RCl ले लिया, हाँ NCERT भैया की जय, ठीक है? अब यहाँ पे लेट से मैं AgF ले लेती हूँ, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको पता है, आपको पता है सिल्वर लव्स हेलोजन, पता है सबको? तो यहाँ से क्या होगा, AgCl बाहर निकल जाएगा अपना, इसके प्रेसिपिटेट, और क्या बन जाएगा? एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछ ले एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्वार्ट्स रिएक्शन है। अगर मान लो मेरा बेटा मैं यहाँ पे ये ले लेती Na+, और मान लो मैं NaF ले लेती, अब आपको पता है NaF क्या है? आयनिक है ना, Na+ और F-। अगर आप ये सोचते मैम F- यहाँ पे अटैक करा देता तो क्या होता बेटा? कुछ कांड हो जाता, ठीक है? अगर आप ये ले रहे हो बेटा डायरेक्ट फ्लोरीन ले रहे हो, आपको पता है ना कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट F- की रिएक्शन करा रहे हो इसके साथ तो गया काम, हो गया, ठीक है? एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है, तभी हम क्या लेते हैं? मेटलिक कोवेलेंट, यहाँ पे लिख लो, मेटलिक कोवेलेंट फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है? तो स्वार्ट्स रिएक्शन एक बहुत अच्छी रिएक्शन है टू प्रिपेयर, बोलो बोलो, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है? एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेरा बेटा, यहाँ पे फिर मैं SN1 स्टार्ट करती हूँ। ये जो भी मैं रिएक्शन बता रही हूँ ना, ये एक्चुअली JEE में आई थी, बताना अगर किसी को आती हो तो। बताओ, ये आया था, और ऐसी ऐसी सिमिलर सी रिएक्शन नीट में भी आई थी 2022 में। ये रिएजेंट किसी को जान मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद करो 11th फ्लैशबैक में चले जाओ, क्या होता था याद करो? कौन सा रूल लगता था? मार्कोनिकोव्स, याद करो? HBr जब भी हम परोक्साइड की प्रेजेंस में लेते थे तो वहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स लगता था, तो नेगेटिव पार्ट वहां ज्यादा था जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते थे। मैं आपको ये करा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ मेरा बेटा कि ऑर्गेनिक में ना सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप सोच रहे हो मैम डायरेक्ट हमसे यही रिएक्शन पूछ लेगा एग्जामिनर, तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको घुमाएगा इस तरीके से, दो दो तीन तीन रिएजेंट लिख के देगा एरो पे, समझ रहे हो? तो पहले में उसने ये जान लिया कि आपको एंटी मार्कोनिकोव्स का रूल का पता है या नहीं, सेकंड में उसने ये पूछ लिया कि आपको स्वार्ट्स रिएक्शन का पता है या नहीं। अब नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा स्वार्ट्स रिएक्शन, तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा? F लग जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोलो जी, ठीक है? यस मैम, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे डिटेल लेक्चर देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आएंगी चीजें, ठीक है? तो टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आज हम SN1 का भी, इसका भी शुभ मुहूर्त करते हैं SN1 का। अब देखो
एस बोले तो सब्स्टिट्यूशन, एन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक, वन बोले तो अब तुम्हें पता चल गया होगा पक्का फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रही होगी, बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट मैकेनिज्म से ही स्टार्ट कर देती हूँ। देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है SN1, SN2 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है और जहां पे भी इंटरमीडिएट बनता है ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल टर्शरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ ध्यान से देखना, अब ये रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्टेप में नहीं होती बेटा, ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है। और तुम्हें याद करो थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, अगर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वहां इंटरमीडिएट बनता है, मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था कि मैं तुम्हें ना ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी। तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, SN1 का जो पहला स्टेप होता है वो होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या होता है मेरा बेटा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से Br नेगेटिव जाएगा और Br नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो कार्बोकैटायन बनेगा, बोलो हाँ के ना, बोलो जो ये वाला स्टेप होता है ना मेरा बेटा, ये काफी स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्यों होता है, क्योंकि तुम बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी जाएगी, गेटिंग माई पॉइंट, तो स्लो स्टेप होगा। और यहाँ पे अगर तुम्हें अगर तुम देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे ज्यादा वो दिखाया है लाइक इक्विलिब्रियम का, यहाँ इस तरीके रिएक्टेंट की साइड ज्यादा दिखाया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा और यहाँ पे Br नेगेटिव क्या निकल जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा, सेकेंड स्टेप में जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बनाना, अब आपको पता है कार्बोकैटायन क्या होता है, रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे आके कोई अटैक करेगा, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, वाटर ले लेते हैं। अब वाटर क्यों लिया है, सारी चीजें बताऊंगी मैं आप लोगों को। अब वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, देखो हाँ के ना, तो अब किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मैकेनिज्म आपसे कोई पूछने नहीं वाला लेकिन आप लोगों को आने चाहिए मैकेनिज्म, देखना बेटा ऐसा ही सोच रहे हो क्या तुम लोग, बोलो ठीक है। अब तुम बनाने को एक और स्टेप बना दो, स्टेप थ्री लिख लो, तो वहां पे क्या होगा ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ऑर्गेनिक में अगर कहीं पे भी चार्ज आ जाता है उस चार्ज को क्या करना होता है, हमें जल्दी बताओ, खत्म करना होता है, खत्म करना होता है, खत्म करना होता है। अब क्या होगा, क्या निकला था बाद, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव क्या करेगा, एच को ले जाएगा और ये चार्ज खत्म, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनली, OH और बाहर क्या निकल जाएगा, HBr, बोलो यस और नो, यस मैम, दिस इज द मैकेनिज्म। और जो सेकंड स्टेप होता है बेटा वो फास्ट स्टेप होता है, व्हाई फास्ट स्टेप, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करनी है, फटाफट से आएगा H2O और अटैक कर देगा। अब यहाँ पे तुम्हारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, पहले एक बार मैकेनिज्म दोबारा सुन लो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है क्या, मैंने जान करके पहली बात है यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया, इसका भी रीजन मैं बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, क्या होता है मेरा बेटा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाता है और जिस फर्स्ट स्टेप में जो लिविंग ग्रुप जा रहा है दैट इज योर स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन की। सेकेंड स्टेप में कोई सॉल्वेंट आता है, इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इसका रीजन बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने लोन पेयर दिए हैं, कोई चीज अगर देगा कोई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन छीन ले जा रहे हो तुम उससे, तो अपने ऊपर क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज को खत्म करने के लिए जो Br नेगेटिव निकला था उसने H लेके HBr बना लिया और फाइनली ये बन गया। आपके पास साइड प्रोडक्ट क्या बना ये आपको ध्यान नहीं देना है, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया, पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए। यस बहुत अच्छे से आ गया।
ठीक है, तो दो स्टेप में बेसिकली ये रिएक्शन हो रही है। स्टेप थ्री आप अलग से दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, ठीक है जी। बस ध्यान रखना है पहला स्टेप क्या है, स्लो है, और दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट है। क्या ये क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक है, चलो यस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले सुनो आपके जहन में क्या आ रहा होगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम बी आर नेगेटिव तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वोटर से, तो बी आर नेगेटिव ने क्यों नहीं अटैक किया? दक्ष के माइंड में जरूर आया होगा ये चीज, क्योंकि दक्ष ने ऐसा ऐसा मेरे से एस एन टू वाले में पूछा था। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल गई? बी आर नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन वोटर, तो वोटर क्यों अटैक कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो वोटर इसलिए अटैक कर रहा है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना। देखो जो आपकी एस एन वन रिएक्शन होती है ना, इसको हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। वाई सोल्वोलिसिस बेटा? अगर तुम्हारा सोलवेंट वोटर है तो जनरली हम वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, बट यहाँ पे वोटर की जगह कोई और भी हो सकता है, मिथेनोल हो सकता है ना, कोई भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट हो सकता है, तो हमने बोल दिया सोल्वोलिसिस रिएक्शन, कोई भी हो सकता है सोलवेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम खुद देखो यहाँ पे वोटर क्या है मेरा बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? लाइक शगुन कह रहे हो क्या? एक मिनट रुकना बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? रीज्वाइन करके देखो। देखो वोटर क्या है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपका बी आर नेगेटिव निकल गया ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है याद है तुम लोगों को? बताओ, याद है थोड़ा बहुत? क्या करता है? सोलवेट करता है कैटायन को भी, एनायन को। अब जो एनायन निकला, जो लिविंग ग्रुप निकला, दैट इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल ना, बी आर नेगेटिव, वो तो भैया इसको सोलवेट कर लेगा, घेर लेगा। अगर उसने बी आर नेगेटिव को घेर लिया, क्या बी आर नेगेटिव अटैक कर पाएगा क्या? उससे पहले वोटर अटैक कर देगा। यही रीजन है कि मैंने किसका अटैक कराया यहाँ पे, वोटर का अटैक कराया, बी आर नेगेटिव का अटैक नहीं कराया। और यही रीजन है मैंने आपको कल वाली क्लास में बोला था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कर दी ना बी आर नेगेटिव के न्यूक्लियोफिलिसिटी कम उसने, ठीक है। और यही रीजन है कि एस एन वन रिएक्शन में जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वैसे मैं अलग से बताने वाली थी, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं क्या, एस एन वन रिएक्शन। क्लियर हुआ ये वाली बात, क्यों करते हैं ये समझ में आया? बताइए। yes, ठीक है, आगे चले। चलो ध्यान रखना, एस एन वन में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। एस एन टू में क्या बन रहा था, एस एन टू में क्या बन रहा था, अरे बोल दो, क्या बन रहा था? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, इंटरमीडिएट तो बन ही नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा ओके, मैंने ऑक्सीजन से दिखा दिया, एक मिनट रुको, एच से दिखाना था ना, ऑक्सीजन तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिपल्शन थोड़ी ना करानी हमें। ठीक है, इससे बेटर है बी आर नेगेटिव को तो एच पकड़ लेगा, या ऐसे देख लो जो आपका कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है, उसको पानी घेर लेगा अब, ठीक है। ठीक है, तो बी आर नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, वोटर अटैक कर देगा। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा था? मैम जब भी हमारा कार्बोकैटायन बनता है तो हम रीअरेंजमेंट भी करते हैं ना। हाँ वो बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तभी कह रही थी मैं एसएन वन बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोबारा वो हाइड्रोकार्बन वाला सारा सीन आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट, ठीक है। अभी आऊंगी धीरे धीरे, वो कल कराऊंगी, क्योंकि आज इतना टाइम बचेगा नहीं अपने पास रीअरेंजमेंट वाला सीखने का, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? दक्ष ने मेरे को क्या बोला, मैंने बी आर नेगेटिव में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो एच होगा, एच ट्रैप कर लेगा इसको, देखो दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे वाटर जाके खुद अटैक कर जाएगा बी आर नेगेटिव के जाने से पहले। तो क्या लिखा ये मैंने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द एस एन वन रिएक्शन, खत्म। अब आगे आते हैं जो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट, जो हमने एस एन टू में किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एस एन वन रिएक्शन। जिसने मुझे अभी तक असाइनमेंट टू नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी दे देना मेरे को, ठीक है, और फिर आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी करेंगे। चलो लिखें, स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख दूं,
कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यस मैम. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और उसमें क्या बन रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड ऑन, बोलो, रेट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बोलो हाँ या ना. यस मैम. जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, रेट ऑफ SN1 होगा. ठीक है, अगर मैं रेट लो लिखूं बेटा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है वो, ध्यान से देखो इधर पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में सिर्फ आपका इधर देखो एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया, न्यूक्लियोफाइल तो स्टेप टू में आया, गेटिंग माई पॉइंट. तो यानी कि इस केस में जो रेट है, जो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ओनली एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. गेटिंग माई पॉइंट, बोलिए. क्लियर हुआ? और इसी की वजह से ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर. यस. और अगर मेरा बेटा, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो अगर मान लो आपको तीन चार कंपाउंड बना के दे दिए, लेट से मैं बना के दिखाती हूँ, एक तुम्हारे पास है ये, प्लीज ध्यान से देखिएगा, OCH3, और एक तुम्हारे पास है ये, और तुमसे पूछ लिया बताओ किसमें रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा. तो एक बार बताओ, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियस सी बात है वहां पे रेट जो होगा वो ज्यादा होगा. तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे SN1 के रेट को. ठीक है, ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, यस, इधर देखो, जैसे तुम Cl को बाहर भगाओगे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो बनेगा कार्बोकेटाइन. NO2 तो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो रेट ऑफ SN1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे एक काम करो, इस क्वेश्चन को तो मैं दोबारा बाद में भी लिखवाऊंगी, तो समझाने के लिए लिखवाया था, क्योंकि इस पे इसको करने से डाउट ये आ सकता है, आप बोलोगे कि मैम प्राइमरी वाला क्यों बना दिया आपने, क्योंकि अभी आपने पूरा SN1 नहीं सीखा है, राइट. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे मेरा बेटा, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, लिखो सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लिखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिफ्थ पॉइंट बना के लिखो सारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन. ठीक है क्या? यस. जल्दी से लिखिए, देन उसके बाद हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सिक्स्थ पॉइंट में आप बना लीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. याद है SN2 में बनवाया था मैंने? यस मैम, बनाया था. तो यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बनेंगे अपना, वहां पे तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ट्रांजिशन स्टेट तो हालांकि इसमें बनता है, बॉन्ड बनते हैं टूटते हैं, लेकिन इसमें हम इंटरमीडिएट दिखाते हैं. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को भी कैसे बनाएंगे, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन वर्सेस एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस. देखो इधर आओ बेटा, आप सना अगर जिसको नहीं दिख रहा प्लीज आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसको भी विजिबल नहीं है इसको. ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो अपना पहला स्टेप था वो क्या था, स्लो स्टेप था. yes. और अपना जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, फास्ट रिएक्शन. इसको मैंने इस तरीके से दिखाया, ये अपने केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा था अगर तुम्हें याद हो तो. yes, ma'am. अगर तुम्हारा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या लिया था मैंने, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना था, पहला स्टेप इज स्लो स्टेप, तभी यहाँ की जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देख पा रहे हो क्या, बहुत ज्यादा है पहले स्टेप की, देखो. और यहाँ पे क्या बना था तुम्हारा, कार्बोकेटाइन बना था यहाँ पे, ये तो ट्रांजिशन स्टेट हो गई, दिस इज योर इंटरमीडिएट, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था,
देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो ये स्टेप फर्स्ट है बेसिकली वो क्या है, स्लो स्टेप है, तभी उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो उसका जो बैरियर है वो कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले स्टेप से। ठीक है, तो मतलब जो सेकंड स्टेप है वो हमारा क्या था, फास्ट स्टेप है, तभी नीचे की तरफ दिख रहा है। देख पा रहे हो, नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1। ये क्या दिखा रहा है, जो ये हम्प है वो क्या दिखाते हैं आपको, ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। याद करो, आ रहा है याद, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था आपको। ठीक है, और जो ये वैली दिखा रहा है ये क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये पेपर में आते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है तो मतलब रेट स्लो है, और अगर तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है तो मतलब फास्ट है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे दो स्टेप को दिखा दिया है। क्लियर हुआ क्या ये, बताइए। और ये एक्टोथर्मिक का ग्राफ बनाया, हो सकता है पेपर में एंडोथर्मिक का भी दे दे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें एक्सोथर्मिक का ही मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, ये 6 पॉइंट सबको पता होने चाहिए, फिर सुन लो। स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, कंसर्न किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट करेगा SN1 रिएक्शन को, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं हम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या अगर मैं सिंपल बोलूं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN1 के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए। देख, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप जा रहा है। तो एक बात बताओ, जितनी जल्दी हमारा कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही आपका क्या होगा, SN1 का रेट ज्यादा होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास एक ये है एल्काइल हैलाइड, एक तुम्हारे पास ये है एल्काइल हैलाइड, एक तुम्हारे पास ये है, तो तुम मुझे बता सकते हो SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले, फर्स्ट में। जल्दी से एक बार जल्दी से मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में बोलो फटाफट से, जल्दी किसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा, फर्स्ट का, मतलब समझी नहीं मैं, CH3 CH2X इसका रेट ज्यादा होगा क्या मैम, थर्ड का होगा बेटा। जब लिविंग ग्रुप जाएगा तो ये टर्शियरी डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा मैम, आपने बताया था ना जो ज्यादा स्टेबल होता है वो नहीं जाता। नहीं नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप देखो ना मैकेनिज्म क्या करवाया था मैंने। आप एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि ये ज्यादा होगा तो ये तो कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा प्राइमरी, पहली बात तो अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा फिर रिएक्शन क्या करा रहे हो, SN1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना फिर, बोलो। यस मैम, आपको SN1 का रेट बताना है, आपका एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, SN2 में क्या होना चाहिए था, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी तभी वो फटाक से अटैक कर पा रहा था न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे किस तरीके का होना चाहिए एल्काइल हैलाइड, ज्यादा बल्कि होना चाहिए भाई। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो फिर SN1 रिएक्शन कैसे कराओगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो आपका जो इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल, आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, टर्शियरी डिग्री बन रहा है तो रेट ऑफ SN1 किसमें ज्यादा होगा, इसमें होगा। इवन ये वाला तो SN1 देता ही नहीं है, प्राइमरी तो SN1 देता ही नहीं है बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक? मैम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ सारी चीजें वही करा दूंगी तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रही हूँ, SN1 SN2 ही पढ़ लो। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, कैसा भी चलेगा, कैसा भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हमारा जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप वीक भी लेते हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी आपका SN2 SN1 हो जाएगा, नॉट SN2।
ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है वो, है ना, या न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रोंग ही लो, जबकि SN2 में तो भैया बहुत जरूरी था कि आपके पास स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, वही सेम होगा, आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बी आर नेगेटिव, देन सी एल नेगेटिव, देन एफ नेगेटिव, वही सेम जो अपन ने SN2 में देखा था। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है तो। नो मैम। कोमल, चेतना, मुस्कान, नो मैम, दिशा, पीयूष, डिंपल, डिंपल डिंपल अभी जो इनकी आपने, आयुष, पीयूष बताइए, चिक्का, नो मैम, बुरा हो ना तुम लोग सर, ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड चीज सॉल्वेंट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या डिस्कस किया मैंने कि पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक, अभी तो तुम्हें मैं एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब बताना मेरे को कि SN1 होगी SN2 होगी, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। अब तुम्हें कंपैरिजन करने आ रहा है SN1 और SN2 में, एक बार करवाऊं रिकॉल, आ जाओ। यस। SN2 में अपन ने क्या किया था कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, अगर उसको दिखेगा बड़े बड़े ग्रुप बैठे हैं रास्ते में, वो अटैक नहीं करेगा, उसमें तो टर्शरी वाला देता ही नहीं था, और SN1 में क्या है, प्राइमरी वाला नहीं देता। पहला डिफरेंस आ गया ना, क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं, मान लो तुम्हारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो सेकेंडरी भी आपको SN2 भी दे सकता है और SN1 भी दे सकता है, तो मैम हमें पता कैसे चलेगा। देखो जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लाइक जो PY ब्रूस मैंने आपको दी थी, उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें बोला है कि SN2 ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट अगर मैं नीट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, वो आप देखेंगे फिर सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है। अगर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर दिया हुआ है या कोई और पोलर प्रोटिक दिया हुआ है, लाइक एसिड दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है ना, या अल्कोहल दिया हुआ है, तो वहां SN1 करा देना। अगर मान लो कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है या स्ट्रोंग कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो वहां पे SN2 करा देना, ठीक है। प्राइमरी वाला तो तुम डिसाइड कर लोगे, टर्शरी वाला भी कर लोगे, बट सेकेंडरी में आती है। तो गेटिंग माय पॉइंट, सॉल्वेंट की बात करूं तो उसमें पोलर ए प्रोटिक, इसमें पोलर प्रोटिक, न्यूक्लियोफाइल उसमें स्ट्रोंग, इसमें वीक भी चलेगा, लिविंग ग्रुप का दोनों में सेम है, तो इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करना है, ठीक है, हो जाएगा क्या। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन आर जनरली सोलवोलिसिस रिएक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोगों को बताइए। यस मैम। सोलवोलिसिस रिएक्शन है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा बेटा ये है, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कार्बोकैटायन क्या बन रहा होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है SN1 में, कार्बोकैटायन होता है, और जब भी तुम्हारा ऑर्गेनिक में कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आती है। क्या ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले? यस मैम। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जस्ट रेज योर हैंड, कि जहां पे भी कार्बोकैटायन बनता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। मोस्टली ओके, वही वाले बच्चे जो जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा, ठीक है, बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ा है, फिर तो आपको पता होना चाहिए था वैसे, बट इट्स ओके, मैं बता देती हूँ, एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, पेपर में थोड़ा सा इससे डिफिकल्टी आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, मान लेते हैं इसमें वो है CH3CH2OH, ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता चल गया वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, और पोलर प्रोटिक बेसिकली ये सॉल्वेंट भी है पोलर प्रोटिक, तो ये SN1 रिएक्शन देगा।
SN1 में बेटा आप सबसे पहले क्या करते हो, लिविंग ग्रुप बाहर बगाते हो ना, तो कार्बोकैटायन बनाना तुम्हारा पहला काम है। पहला काम क्या करना है तुम लोगों को, बोलो, कार्बोकैटायन बनाना। जब भी तुम कार्बोकैटायन बनाते हो ना, यू हैव टू चेक कि वेदर द कार्बोकैटायन इज स्टेबल और नॉट, बिकॉज तुम लोगों को पता है टर्शियरी डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। पता है ये वाली चीज? यस मैम, एक ही बच्चे ने बोला पूरी क्लास में। यस मैम, मैं बोल रही हूँ टर्शियरी वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी से, ये बातें पता है आप लोगों को? और नहीं पता तो मुझे रीजन दो क्यों नहीं पता। मैंने तो जीओसी में पढ़ाया था आप लोगों को, चाहे वो क्या बोलते हैं दिल्ली वाले हों चाहे दूसरे स्टेट से बच्चे हो, ये आप लोग जीओसी में पढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो पढ़ के आना कल से क्लास में। मैंने आपको पहले भी बोला था जीओसी पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आके बैठ के चले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, डेढ़ घंटा वेस्ट कर दोगे अदरवाइज। टर्शियरी वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है या प्राइमरी, क्या है ये टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, कौन सा कार्बोकैटायन? सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कितने कार्बन से अटैच है, दो, एक दो, दो कार्बन। अब आपको ये चेक करना है मेरा बेटा कि जो तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, या हो सकता है इसकी जगह प्राइमरी बना होता, क्या वो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है क्या? मतलब क्या रीअरेंजमेंट के बाद वो सेकेंडरी से टर्शियरी में जा सकता है क्या, ये आपको चेक करना है। अगर ऑलरेडी पहले टर्शियरी बन ही गया है तो आप चेंज मत करना, तो आप चेंज मत करना, वो रिंग में होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे सेकेंडरी है, क्या यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करा दूं किसी ग्रुप को, माइग्रेट करवा के टर्शियरी बना दूं, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो होगा क्या बेटा, इधर देखो 1 2, यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन की यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं 1 2, बोलो, हाइड्राइड शिफ्ट। अरे यार 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इधर, और ये अब कहाँ चला जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे चला जाएगा, बोलो। इसको दिखाने का ये तरीका होता है, जब शिफ्ट दिखाते हैं केमिस्ट्री में उसको ये दिखाने का तरीका होता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर मान लो कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इस चीज को, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बोन देखो इस तरीके से ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, इधर देखो, एक सेकेंड, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा होगा, प्लीज देखिए ऐसे। तो जो एच नेगेटिव है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे समझने के लिए कर सकते हो, पेपर में मत करके दिखा देना और ना ही किसी टीचर को बोल देना, वो कहेगा कहाँ से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम ऐसे दिखाते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट इस तरीके से हो रही है। तो पहले सेकेंडरी डिग्री कार्बोकैटायन था, अब क्या बन गया, टर्शियरी डिग्री बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या था तुम्हारा, यही था, अटैक करवा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, OC2H5 CH3 CH3, इस तरीके से क्या होती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, बोलो। यस मैम, ठीक है। थोड़ा सा बेटा इसको ना पढ़ लेना जीओसी में, वरना हाइड्रोकार्बन वाली मेरी क्लास लगा लेना, वहां पे मैं सिखा दूंगी, ठीक है। बाकी एक कल वाली क्लास में थोड़ा और भी हम पढ़ेंगे, ये तो सबसे सिंपल वाली रीअरेंजमेंट होती है, ऐसी आपकी 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी होती है, ठीक है, मिथाइल भी शिफ्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, याद करो SN2 में क्या था, 100% इन्वर्जन था। यस मैम, अब SN1 में क्या होगा तुम मुझे बताओ, हो क्या रहा है, मान लो मैं ये ले लेती हूँ CH3, और यहाँ पे आप कुछ और ले लो, और यहाँ पे आप ले लो BR, और यहाँ पे आप ले लो कोई और ग्रुप ले लो। पहले स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, बताइए सारे बच्चे। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान से सुन लो, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब यहाँ पे आप वेज डैश कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, ये आपका इस तरीके से दिखे,
ये बेटा जीओसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री आप दिखाते हो ना वेज डैश, वो किस पे दिखाते हो? sp3 कार्बन पे दिखाते हो। नाउ योर कार्बन इज प्लेनर। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है ना मेरे बेटा, बिल्कुल प्लेनर हो चुका है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब अगर न्यूक्लियोफाइल को आना हुआ तो वो कहां से आ सकता है, बताइए मेरे को। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल को आना, लेट से न्यूक्लियोफाइल हमारा ये है CH3CH2OH, तो वो कहां से आएगा? इधर आओ। अब मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है, कोई आजू बाजू स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, यानी कि जहां पे BR लगा हुआ है वहां से भी आ सकता है और BR के अपोजिट साइड से भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं बिकॉज आपका कार्बोकेटाइन क्या है? प्लेनर है। कैसे दिखेगा यहाँ पे? OC2H5, ठीक है, CH3, ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही बना दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड से आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। देख पा रहे हो सारे बच्चे? Yes, क्यों हुआ ऐसा? जबकि SN2 में तो क्या हो रहा था, 100% आपको भैया एक ही मिल रहा था वहां पे। अगर आपका रिएक्टेंट वाला R है तो वो आपको S मिलेगा, S है तो R मिलेगा, यहाँ पे लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पे बेटा कार्बोकेटाइन बनता है क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लेनर होता है। यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंचियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। याद करो, अगर 50% आपको R मिल रहा है तो 50% क्या मिल रहा होगा? S मिल रहा होगा। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। याद आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। क्योंकि अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो ब्रोमीन की साइड पे, या तो जहां से ब्रोमीन जा रहा है वहीं पे आगे लग रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दोनों साथ में ही मिलेंगे कि बैक साइड से आ रहा है, यानी कि दोनों मिलेंगे, इन्वर्जन भी और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। रिटेंशन का मतलब जहां से ब्रोमीन गया वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल लग गया। अब सवाल ये आता है, क्या ये दोनों 50-50% मिलेंगे? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रेसमाइजेशन तो होता है, लेकिन पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये होता है मेरा बेटा, नोट करके लिखो, कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी ना, जो थोड़ा अमाउंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा रिटेंशन वाले से। गेटिंग माई पॉइंट? जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है रिटेंशन वाले से। ये आपको नोट करके लिखना है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होती है, 50-50% नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इन्वर्जन वाला ज्यादा मिलेगा, हो सकता है इन्वर्जन वाला 60 हो 40। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतना आपका डिफरेंस हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे सारे कुछ, ठीक है जी? Yes. क्योंकि जब वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस वाला, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 50% नहीं लिखूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ध्यान रखना, जो इन्वर्जन वाला मिलेगा, कहाँ का इन्वर्जन वाला? ये कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू रिटेंशन वाला, ठीक है। तो पार्शियल रेसमाइजेशन होती है, इसमें नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है मेरा बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है, क्या तुम यहाँ से पहचान लोगे SN2 होगी SN1 होगी? मैम SN2 तो होने की नहीं, क्यों नहीं होने की? देखो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा SN1 होगा या SN2 होगा। तो मैम SN2 तो नहीं होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? क्या होगा? एक बार OCH3 सेम BR वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा,
और एक बार किस पे आ जाएगा बोलो, डैश वाली पोजीशन। तो ये आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। इस तरीके से आप बताते हो, रिटेंशन वाला भी मिल रहा है और बोलो इन्वर्जन वाला। इन्वर्जन वाला क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए क्या? यस मैम। ये मैं कल बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम वो डबल बॉन्ड उसी अलग साइड हो गया। अच्छा, यहाँ लगा दो। ठीक है, डबल बॉन्ड में चेंज नहीं करोगे क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे बी आर लगा हुआ है ना, तो ये यहीं पे आएगा, वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये मैं कल बताऊंगी कि कौन कौन सा एस एन वन देता है, कौन कौन सा देता है, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, 15 मिनट है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, जल्दी आ जाओ। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा मेरा बेटा। हाँ, वैसे आप हैंड रेस कर सकते हैं, बट आप प्लीज चैट में आंसर देना। ठीक है, एक मिनट दे दो मेरे को। देखो मैंने पोल लॉन्च किया है, हो रहा है क्या शो? देखो ये तो अभी मैंने कराया, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ना समझ के करना है, ऑर्गेनिक पे रट्टे नहीं मारने। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो कितने सही वोट दे रहे हो तुम लोग, शाबाश, वेरी गुड। क्लास के स्टार्टिंग में क्या हो गया था तुम लोगों को? रिवाइज करके आना है, जब भी क्लास में आओगे ना, बेशक 20 मिनट दो रिवीजन को, लेकिन करके आओगे ऑर्गेनिक में, प्रॉमिस करके जाना आज मुझे भाई। जल्दी से वोट करो बेटा, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जल्दी फास्ट, और मुझे थम्स अप दे दो। यस मैम, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे एस एन वन वाले का, है ना, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मैम मैम मेरा तो बीच बीच में नेटवर्क, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोमल वो देख लेना रिकॉर्डिंग। नहीं कल तो रिवीजन क्लास है चेतना, नेक्स्ट क्लास में। 17 वोट्स आए हैं, सी और डी को किसने दे दिया भाई? अरे कौन इतना महान है जो एस एन टू पढ़ रहा है अभी तक, हैं? ए आंसर आएगा, रिटेंशन नहीं होता 100%, ये तो एस एन टू में होता है, ये नहीं होता। जब 2015 में क्वेश्चन आया था, आधे से ज्यादा जनता डी करके आई थी भाई, इन्वर्जन वाला थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मिलता है। चलो ये वाला आपको बताना है यहाँ पे बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ना थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ थी ना इसमें, जो पीडीएफ था। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले नोट लिख लो, लिखो इन एसएन वन इफ कार इफ लिखो इफ कारल कार्बन इज जनरेट इन द प्रोडक्ट देन रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ठीक है, समझाऊं क्या लिखा है? देखो अगर आपको याद हो तो पहले कार्बोकेटाइन बन रहा था ना, ये ए कायरल है, बिकॉज प्लेनर है तो ये कायरल नहीं है। तो आपका क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद क्या है, ए कायरल से कायरल बन रहा है, क्योंकि चारों ग्रुप सेम होंगे तभी आप बता पाओगे कायरल है या नहीं है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है मेरा बेटा, तो आपका बेसिकली कायरल कार्बन जनरेट हो गए, तो इन दैट केस रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, बिकॉज दोनों साइड से वो अटैक कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो अटैक कराने के बाद, इधर सुनो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद कायरल कार्बन ही जनरेट नहीं हुआ, तो तुम क्या बोल सकते हो कि वहां पे रेसमाइजेशन होगा? नो मैम। वेरी गुड, अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ट्राई कीजिए। KOH है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब वाटर सॉल्वेंट। अब पहले तो डिसाइड करो कौन सा होगा, एस एन वन होगा एस एन टू, और वैसे उसने रेसमाइजेशन देके हिंट भी दे दिया कि एस एन वन है ना। चलो अब सोचो कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सचर मिलने की पॉसिबिलिटी है। मैम डी ऑप्शन में सिर्फ फोर्थ ही दे रखे है ना, और कोई नहीं है ना साथ में? ना ना ना, मैंने हटा दिया, इंटेंशनली हटा दिया मैंने। देखो मेरा बेटा,
शाबाश, बहुत बढ़िया, हैंड रेस कीजिए। सलम, दक्ष, तनिष्का, चेतना, शिखा, अभिषेक, मुस्कान, वेरी गुड। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी नहीं, मुस्कान। मैम डी लग रहा है। क्यों लग रहा है वो भी बताओ बेटा। मैम एक तो इसमें एसएन वन रिएक्शन हो रहा है। हाँ 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 हाँ। और देखो तुम यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे एसएन वन हो रही है तो यहाँ पे ओएच लगेगा, यहाँ पे भी ओएच लगेगा, यहाँ पे भी ओएच लगेगा और यहाँ पे भी ओएच लगेगा, है ना। तो तुम देखो कहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, यहीं पे ही हो रहा है ना, तो मतलब यही दिखाएगा रेसमाइजेशन। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। सर क्या होगा, फोर्थ। अगर मान लो थोड़ा सा आप डीप में जाते हैं इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो, मैम ये तो प्राइमरी है, आप इसकी वो करा दो रीअरेंजमेंट। मैंने देखो रीअरेंजमेंट भी करा दी, एक बार ध्यान से सुनना। yes. लेकिन फिर भी देखो ना, यहाँ पे अगर तुम ओएच लगा भी रहे हो मेरा बेटा, तो भी कायरल सेंटर तो जनरेट नहीं हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा बेटा, फोर्थ ही आएगा। मम इसे एक बार हम डैश पे और एक बार हम बैच पर भी तो लगा सकते हैं। किसको? ओएच को, थर्ड वाले में। कायरल कार्बन तो फिर भी नहीं आया ना, बिकॉज कार्बन पे तो मिथाइल ग्रुप सेम हो गए ना मेरा बेटा, एक कायरल है ना। बोलो जो तुम्हारा OH, अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसमें जो तुम्हारा बनेगा प्रोडक्ट फाइनल वाला, उसमें कैसे दिखाओगी वेज डैश से, वो तो एक कायरल बन रहा है ना बनने के बाद। देखो कहां गया, ये देखो, ये देखो तीन ग्रुप सेम हो गए। मैंने फिर बोल रही हूँ जहाँ पे कायरल सेंटर होता है वहीं पे तुम स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाते हो वेज डैश, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसका क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। यस मैम। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन फोर्थ आना। ये वाला क्वेश्चन करिए, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली ना वो MTJ में थोड़ा ऊपर नीचे ही चीजें करी हुई है उन्होंने, सोच समझ के बताना मेरे को थोड़ा सा। कुछ आया समझ में, मैं बताऊं? बताओ कुछ भी आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, हैंड रेस कीजिए। कुछ भी आ रहा हो थोड़ा बहुत भी आ रहा हो, बस मुझे ये बताओ, बेशक आंसर ना आया हो पर जो जो समझ में आ रहा है वो बताइए। कोमल, पूजा, पीयूष, उन्नति, डिंपल, दिशा, बताओ। हाँ जी दीप्ति, आपको क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? दक्ष आ रही हूं बेटा मैं, एसएन टू की होंगी। बस आंसर दे दिया, पता नहीं लेकिन ऐसा क्यों हुआ। ओके दक्ष बोल रहा है, हाँ बोलो, कोई और कुछ बताना चाहता है तो एक्सप्लेन कर सकता है, बताओ। मैम ये ऑप्शन लग रहा है एसएन वन होगी पहले वाले में और दूसरे वाले में एसएन टू। यस मैम। और बताइए, ठीक है, सबको यही लग रहा है। कोई है जिसको ए के अलावा लग रहा है कुछ? ठीक है, देखो थोड़ी सी गलती कर दी आपने, बिल्कुल थोड़ी सी, ध्यान से देखो, ये तुमने बिल्कुल सही सोचा,
कि मैम जैसे दक्ष भी बोल रहा है ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल. तो तुमने कहा कि स्ट्रॉन्ग होगा तो पक्का क्या होगा यहाँ पे SN2 होगी, है ना, और वो वीक है तो यहाँ पे तुमने SN1 करा दिया, ऐसे ही बोला ना. लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ट्विस्ट है, तुम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो लेकिन तुम ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो CH2 के साथ ही अटैच हो गया. यानी कि कहने का क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, जैसे ही BR गया लीविंग ग्रुप बाहर भाग गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी डिग्री कार्बोकैटायन बन गया ना, विच इज नॉट स्टेबल एट ऑल. बोलो हाँ के ना. Yes, अगर इनको यहाँ पे SN1 करवानी होती तो ये रीअरेंजमेंट कराते ना मेरा बेटा, बिकॉज एक सेकेंड, बिकॉज रीअरेंजमेंट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है. देखना एक बार, नजर मारो एक बार सारे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखने को तो बहुत पुराने, मतलब 2011 में आया था. बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? है? Yes, ma'am, है. यहाँ पे तो टर्शरी मिल रहा है मुझे, प्राइमरी से देखो टर्शरी मिल रहा है रीअरेंजमेंट से, तो यानी कि कायदे से तो C2H5 जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैच होना चाहिए था ना, लेकिन इसने कहाँ अटैच कर दिया, यहाँ पे. यानी कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि दोनों ही रिएक्शन कौन से पाथवे से होके गई है, SN2 से, नॉट SN1. अगर SN1 होता ना तो वहां पे प्राइमरी तो बनता ही नहीं है बेटा. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने प्राइमरी वाले के साथ, मतलब कार्बन के साथ ही न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, जबकि ये नहीं है पॉसिबल SN1 में, इसलिए कौन से पाथवे से हो रही होगी, SN2 पाथवे से हो रही, ठीक है. तो इसलिए जब जब तुम्हारे जहन में आएगा ना SN1, वहां पे स्ट्रक्चर को इसी तरीके से ओपन करोगे और सोचोगे कहीं पे रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही. अब कल मैं ना 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही लूंगी रीअरेंजमेंट वाले, नहीं तो हमें क्या हैबिट होती है ना, टर्शरी बन गया बस, पता नहीं, मतलब हम जनरली सोचते ही नहीं है रीअरेंजमेंट के बारे में. तो कुछ हम 5 से 6 क्वेश्चन ले लेंगे रीअरेंजमेंट वाले, ताकि तुम्हें हैबिचुअल हो जाओ कि जब जब SN1 होगा, जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, तब तब हमें रीअरेंजमेंट करा के देखनी है. क्या ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि उसने सी ऑप्शन क्यों दिया था? जल्दी से बताओ सारे, दक्ष, परिधि, कैंची, प्रिंस, प्रिंस आई गेस आज काफी देर बाद ज्वाइन किया था तुमने, ये वाला क्वेश्चन करो. आपको बताना है कौन सा SN1 के टू वर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होगा. सारे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो, सारे बच्चे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो तो ही समझ में आएगा. बनाइए, क्या लग रहा है? अच्छा, कर लिया आप लोगों ने? यस मैम. यस, वेरी गुड. हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे. अभी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए स्ट्रक्चर, बट पेपर में नहीं आएगा बनाने को. दीप्ति मेरे को आंसर बता बेटा, मतलब एक्सप्लेनेशन दो, आंसर से कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक में, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए. बाय सी सब में BR को हटा के कार्बोकैटायन बनाना एक बार, पीयूष एक्सप्लेन करेगा क्या बेटा? सी, वेरी गुड, सी आंसर इज करेक्ट. देखो टर्शरी ऐसे, देखो वैसे तो ठीक है आपने टर्शरी सोचा, बट यहाँ पे एक और फिनाइल रिंग भी आएगी ना, एक और फिनाइल रिंग भी बनाओ यहाँ पे.
आपने बिल्कुल ठीक बोला टर्शियरी एग, और आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं। यहाँ पे तो इस कार्बोकैटायन को ये स्टेबलाइज कर रहे हैं दोनों फिनाइल रिंग, देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में दोनों फिनाइल रिंग तो कर रही है, साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। अच्छा ओके, सेम कैसे हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है और इससे ये भी हो रहा है। अगर मैंने बी दो बार बना दिया लगता है, रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा अपना, अच्छा एच होगा, ठीक है पहले सही था, ये अपना आपका बी वाला है, ये सी वाला, ये डी वाला है, ठीक है। तो ए वाले में क्या हो रहा है, दो फिनाइल रिंग से रेजोनेंस मिल रही है, जबकि आपके सी वाले में फिनाइल रिंग से प्लस हाइपर कंजुगेशन वाला भी मिल रहा है। पी वाले में क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही फिनाइल रिंग से मिल रहा है और एक हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। जबकि डी वाले में सिर्फ ये बेंजाइल कार्बोकैटायन से स्टेबलाइज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है उसको, सी वाले में, डी वाले में, क्योंकि दो रिंग का उसको रेजोनेंस भी मिल रहा है साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन। अगर तुम्हें ऑर्डर लगाना होता तो लगा सकते थे क्या, डी वाला सबसे पीछे आता, अब ये मत बोलना प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज तो है ना, ठीक है डी वाला सबसे पीछे, उसके बाद कौन सा आएगा बोलो, बी वाला, उसके बाद ए वाला। एग्जामिनर तुमसे ऑर्डर भी पूछ ले तो भी आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है। एक बार मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, टाइम हो रहा है बेटा ऑलरेडी। SN1 रिएक्शन बताओ क्या बनता है, ठीक है एक ये लास्ट कर दो बेटा, इसको मैं बना देती हूँ, ये अगर नहीं दिख रहा आप लोगों को बता दो। चेक करो कौन सा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी या सेकेंडरी, चेक कर लीजिए प्लीज। और जो प्रोडक्ट बना है वो ये है, तो क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, SN1 SN2 वो वाले बच्चे SN2 जो बोल रहे हैं जल्दी चैट बॉक्स में डाल, जल्दी 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 फास्ट, तुम्हें भी आगे क्लास लेनी है, मैंने भी लेनी है। फाइव लिखा है, हाँ जी CH2 5 पांच है CH2 मिथाइलिन, हाँ SN2 होगी। देखो SN2 में ना दोनों ही पॉसिबल, सॉरी सेकेंडरी में दोनों ही पॉसिबल है, SN2 भी और SN1 भी, लेकिन कैसे डिसाइड करोगे, न्यूक्लियोफाइल से डिसाइड करोगे, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्योंकि पुराना बहुत क्वेश्चन है तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि OH बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो SN2 होगी यहाँ पे, SN1 नहीं होगी। तो ये चार पांच क्वेश्चन ही सिर्फ नीट में पूछे गए थे आप लोगों के SN1 से रिलेटेड, बाकी SN1 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी कुछ चीजें और हैं जो मुझे बतानी है, ठीक है, जो हम ट्यूजडे को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो आज मैंने SN1 कराया है, आप लोग SN1 SN2 दोनों पढ़ेंगे, दोनों के बीच में किस तरीके से कंपैरिजन करना है वो पढ़ोगे, ठीक है क्या? रीअरेंजमेंट नहीं कराए, रीअरेंजमेंट क्यों कराओगे यहाँ पे भाई, रीअरेंजमेंट से आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है क्या यहाँ पे? मैम 3 डिग्री मिल जाएगा ना, कहाँ मिल रहा है, बनाओ एक बार, वैसे तो उसने हिंट दे दिया ऑलरेडी, हाँ, किसको कराया आप लोगों ने, शिफ्ट किसको कराया, मैंने कार्बोकैटायन ऊपर वाली सी पे चला जाएगा, क्या हो गया बेटा फिर बोलो,